जिस हमारा बजाज के विज्ञापनों ने करोड़ों लोगों की वाहवाही लूटी और टू व्हीलर स्कूटर की निर्माता कंपनी बजाज गृह के पूर्व चेयरमैन राहुल बजाज का आज पुणे में निधन हो गया है। वे 83 साल के थे। बजाज लंबे समय से कैंसर से पीड़ित थे। उनके निधन की खबर आते ही सोशल मीडिया पर लोगों ने श्रद्धांजलि देना शुरू कर दिया है। 2001 में उन्हें पद्म भूषण का सम्मान भी मिल चुका है। राहुल बजाज का जन्म 10 जून 1938 को कोलकाता में बिजनेसमैन कमलनयन बजाज और सावित्री बजाज के घर हुआ था। बजाज और नेहरू परिवार में 3 जनरेशन से फैमिली फ्रेंडशिप चली आ रही थी। राहुल के पिता कमलनयन और इंदिरा गांधी कुछ समय एक ही स्कूल में पढ़ते थे। राहुल बजाज ने 1965 में बजाज ग्रुप की जिम्मेदारी संभाली थी। उनकी अगुवाई में बजाज ऑटो का टर्नओवर 7.2 करोड़ से 12,000 करोड़ तक पहुंच गया और यह स्कूटर बेचने वाली देश की अग्रणी कंपनी बन गई। वे 50 साल तक बजाज ग्रुप के चेयरमैन रहे। 2005 में राहुल ने बेटे राजीव को कंपनी की कमान सौंपनी शुरू की थी। तब उन्होंने राजीव को बजाज ऑटो का मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया था, जिसके बाद ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में कंपनी के प्रोडक्ट की मांग न सिर्फ घरेलू बाजार में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी बढ़ गई। बचपन में क्लासरूम से निकाले जाने पर अपने टीचर को यू जस्ट कांट बीट बजाज कहने वाले राहुल बजाज की फितरत किसी के अधीन काम करने वाली नहीं रही। राहुल बजाज के निधन पर सभी जानी मानी हस्तियों ने श्रद्धांजलि दी है। इस महान बिजनेस योद्धा के निधन पर VKB न्यूज परिवार की ओर से भावभीनी श्रद्धांजलि। बाय। सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि।